वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अब हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं कि स्टॉक 33.25 पे ट्रेडिंग कर रहा है, तकरीबन 10 पैसे तक अब स्टॉक यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि थोड़ी सी बाइंग साइड में यहाँ पे मूवमेंट की थी, तो देख सकते कि रिट्रेसमेंट देखने को मिले आईआरएफसी स्टॉक के अंदर। आज फिर से एक बार नीचे भी आता है तो प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे सपोर्टिव एक्ट होने वाले स्टॉक के लिए, तकरीबन वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसी का। तो देख सकते कि सुबह में जैसे ओपन हुआ स्टॉक ने तेजी देखने को मिली तो यहाँ पे 34 लेवल के करीब जा चुका था, 34 लेवल पे फिर से आज एक बार रेजिस्टेंस लगा और गिराव देखने को मिले। तो देख सकते कि बाकी के जो डिटेल है इंडियन रेलवे फाइनेंस के लिए उसके ऊपर हम लोग चार्ट के ऊपर भी नजर डालेंगे। उसके पहले मार्केट कैप जो है 43,000 करोड़ की है, पी रेशियो 6.73 का है, अच्छा है और डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है। तो लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक में यहाँ पे पिछले 5 दिनों में स्टॉक में गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, पर देख सकते कि 34 मेजर लेवल बनती जा रही है, क्योंकि देख सकते कि इस वक्त में तो काफी समय देख सकते कि वही पे रजिस्ट्रेशन ले चुका है। इस मंथ में तो देखा जाए तो आज का वॉल्यूम देखा जाए ट्रेडेड तो 3 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, ट्रेडेड वैल्यू 10,088 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है, बाइंग के लिए 37 लाख क्वांटिटी है, तो सेलिंग के लिए 1 करोड़ 35 लाख। मीन सेलर्स का जो प्रेशर है बहुत ही डोमिनेटिंग है और बहुत ही ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन में देखे जाए 2 करोड़ 86 लाख में से 98 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 34 to 35%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि मंथली पुट ने तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है, उसी तरह यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन स्टॉक 33 लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ चुका था इस मंथ में, पर इंपॉर्टेंटली जो है 34 लेवल जो कि यहाँ पे आप देख सकते कि कई बार यहाँ पे इस मंथ में रजिस्ट्रेशन ले चुका है स्टॉक, लास्ट मंथ में भी 34 लेवल पे रजिस्ट्रेशन लिया था, पर इस मंथ में भी 2 से 3 4 बार हुआ है कि रजिस्ट्रेशन लेना, वो लेवल ब्रेक होती तो ऊपर जाने के लिए जो चांसेस और भी बढ़ सकते थे।